हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार और जो पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आर्किटेक्ट रोहित आपके साथ 20x50 1000 स्क्वायर फीट के हाउस डिजाइन के साथ जुड़ा हुआ हूं, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारे हाउस डिजाइन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि YouTube पर 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम आपको अपना डिजाइन कॉन्सेप्ट समझा पाएं। अगर आप एक नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस डिजाइन में आपको ऐसी बहुत सी बारीकियां मिलेंगी जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं। मैं ग्रीन लाइन आर्किटेक्ट की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स इस वीडियो पर जरूर दें ताकि हम अपने सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट्स जान पाएं। ग्राउंड फ्लोर पर दो पैरेलल कार पार्किंग और फ्रंट लॉन के साथ एक मेन सेंट्रल हॉल डिजाइन किया हुआ है जो कि अटैच्ड पाउडर टॉयलेट के साथ अपना फंक्शन पूरा करता है। इसी फ्लोर पर मेहमानों के लिए एक गेस्ट बेडरूम विद अटैच्ड टॉयलेट भी मिल जाता है। वीडियो के अंत में आप कटआउट प्लान्स भी देख सकते हैं जिससे आपको डिजाइन का पूरा आइडिया लग जाएगा। इस घर का मेन कॉन्सेप्ट सेंट्रल कोर्टयार्ड है जिसमें आप अपनी हॉबी के अनुसार लैंडस्केप करवा सकते हैं और इसी के साथ घर का डिजाइन पर्सन टू पर्सन पूरा बदल जाता है। इस ट्रिपल हाइट कोर्टयार्ड के टॉप पर एलिवेटेड ग्लास लगाया हुआ है जो इसकी डिजाइन को कंप्लीट करता है ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। लैंडस्केप कोर्टयार्ड के ठीक सामने हमारी डुप्लेक्स इंटरनल स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पर जाती है जहां हमारा फैमिली लिविंग एरिया, किचन, यूटिलिटी, डाइनिंग और एक मास्टर बेडरूम है। डाइनिंग एंड किचन से कोर्टयार्ड की लैंडस्केपिंग का आनंद उठाते हुए आप कमेंट में ये बता सकते हैं ये डिजाइन आपको कैसा लगा। एक ओपन किचन डिजाइन मींस आपके किचन और डाइनिंग स्पेस के बीच में कोई वॉल नहीं होती है। पर हमारे इंडियन घरों में जो दाल में तड़के लगते हैं ना, उसके लिए हमें चिमनी, एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन का स्पेशली ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक ओपन किचन की डिजाइन बिना ओपन यूटिलिटी के एकदम अधूरी रहती है। घर के फ्रंट साइड में एक बेडरूम के साथ ड्रेस प्लस टॉयलेट एंड बैल्कनी भी प्लांट है। इसके ऊपर वाले बेडरूम की डिजाइन इससे और भी अलग और यूनिक है। घर के स्ट्रक्चर डिजाइन को मिनिमम कॉम्प्लिकेट रखते हुए भी हमने हर फ्लोर पर अलग अलग डिजाइन कॉन्सेप्ट दिए हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता और यहीं पे ग्रीन लाइन आर्किटेक्ट्स अपने यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। डुप्लेक्स स्टेयरकेस से सेकेंड फ्लोर पे आने के बाद इस फ्लोर पे हमें दो बेडरूम मिल जाते हैं। बैक साइड बेडरूम अटैच्ड ड्रेस एंड टॉयलेट के साथ अभी भी आपके लैंडस्केप कोर्टयार्ड का व्यू एंजॉय कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम
वर्टिकल विजुअल कनेक्टिविटी का नाम देते हैं। सेकेंड फ्लोर के फ्रंट बेडरूम के साथ आपको अगेन अटैच्ड ड्रेस एंड टॉयलेट मिलता है। एडिशनली इस फ्लोर पर हमें बैल्कनी के साथ एक एल शेप सिट आउट टेरेस भी मिलती है। इस डिजाइन लेआउट को आप वीडियो के लास्ट में आने वाले कटआउट प्लान से रिलेट कर पाएंगे। रीलैंड आर्किटेक्ट के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों तक एक नए डिजाइन कॉन्सेप्ट को पहुंचाना चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमें लगातार अपने डिजाइन में फ्रेश डिजाइन आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करने तथा अपनी कमियों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो बेफिक्र अपने कमेंट शेयर करें। होपफुली आपको ये डिजाइन वीडियो पसंद आया होगा और जरूर आपने इसमें से कुछ आइडियाज अपने नए घर के लिए बचा के रखे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे 20x50 के और भी हाउस डिजाइन कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। सब्सक्राइब करने के साथ ही धन्यवाद।